नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 का प्रश्न नंबर 4 है, उपयुक्त सर्वसमिकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हमें दिया गया है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। बच्चों, हमारे पास जब तीन रकमें हो तो हम इन्हें a, b और c मान लेते हैं। तो हम इसको मानते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। और हमारे पास एक सर्वसमिका है जो कहती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर होता है पहले इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर 2 को इन दोनों के साथ 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के बराबर। अब इसको यदि आप ऊपर वाली रकम के साथ कंपेयर करेंगे तो a किसके बराबर आया है, x के, b किसके बराबर आया है, 2y के, c किसके बराबर आया है, 4z के। ये तीन वैल्यूज अब हम इसे क्वेश्चन में डालेंगे। तो हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a का होल स्क्वायर। a किसके बराबर है, x के, x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, प्लस c स्क्वायर, c है 4z, तो 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a, a किसके बराबर है बच्चों, x के, इंटू b, b किसके बराबर है बच्चों, 2y के, प्लस आगे है 2 इंटू b, b किसके बराबर है, बीच वाली रकम 2y, इंटू c, c किसके बराबर है बच्चों, 4z के। ये ध्यान से करने वाली चीज है, बस धीरे धीरे। आगे है 2 प्लस 2, आगे है c, a b c, तीसरी रकम है 4z। अगर इनके साथ प्लस या माइनस का निशान होता तो हम वो भी देखते साथ में, अभी है नहीं। इंटू 2 इंटू सी 4z इंटू a, a किसके बराबर है, x के बराबर, ठीक है बच्चों। अब हम इसे हल करेंगे। देखो x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर होता है y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 चौके 16, z का स्क्वायर होता है z स्क्वायर प्लस 2, ये एक रकम है, इनको गुना करो। देखो 2 गुना x गुना 2y, नंबर को नंबर से गुना कर दो, 2 दुनी 4, x को y से गुना कर दिया xy, इसको हल करके ये आ गए। अगली रकम ये है प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 दुनी 4 चौके 16, प्लस इंटू प्लस इंटू प्लस प्लस 16, y इंटू z होता है yz प्लस आगे रकम रहेगी ये वाली, नंबर को नंबर से गुना कर दो, 2 गुना 4 8, यहां कोई नंबर है नहीं तो हमारे पास आया 8, z इंटू x होता है zx। अब आप ध्यान से देखें, यहां बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। एक्स स्क्वायर वाली और कोई रकम नहीं है, वाई स्क्वायर वाली और कोई रकम नहीं है, जेड स्क्वायर वाली और कोई रकम नहीं है, एक्स वाई वाली भी और कोई रकम नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, एक्स वाई, ये है वाई जेड, ये है जेड एक्स, एक्स वाई वाली और कोई रकम नहीं है, वाई जेड वाली भी और कोई रकम नहीं है, जेड एक्स वाली भी और कोई रकम नहीं है। ये सारे ही समान पद नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई भी आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकता, यही हमारा उत्तर है। हमने इस ब्रैकेट को सर्वसमिका की मदद से प्रसार करना था, ये हमने इसका प्रसार कर दिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये a प्लस बी होल प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हमेशा याद रहेगा। बाकी पार्ट्स देख समझने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद।